Now, condolences have been coming in, cutting across party lines. Clearly, Balasaheb Thackeray, the charismatic leader that he was, has evoked reactions from various parties. Let's listen in. साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिस विषय पर जो सोचा उसे बहुत बेबाकी से बोला, कभी किंतु परंतु अगर मगर लगाकर नहीं बोला, लेकिन कभी वो विरोध से विचलित नहीं हुए। मैं ये मानती हूँ कि उनका व्यक्तित्व तो हिमालय जितना ऊंचा था और हिमालय जितना ही अधिक। ऐसे व्यक्तित्व तो सुबह 9 बजे की फ्लाइट मैंने बुक करा रखी थी, उस समय मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि 3:30 बजे मुझे उनके निधन का समाचार मिलेगा। इसलिए मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी ये, एक ऐसी खबर जिसने मुझे पीड़ा भी दी और हैरानी भी, क्योंकि कल जिस समय ये कहा गया था कि आज मैं 12 बजे उन्हें मिल पाऊंगी, उस समय उनकी सेहत में काफी सुधार बताया गया था, लेकिन अचानक से 3:30 बजे ये समाचार मिला कि वो नहीं रहे, तो एक धक्का सा लगा। आज अपने उसी कार्यक्रम के मुताबिक मैं जा रही हूँ, उसी 9 बजे की फ्लाइट से जा रही हूँ, लेकिन उनके अंतिम दर्शन कर पाऊंगी, उन्हें जीवित नहीं देख पाऊंगी। ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही, एक असह्य वेदना है। उदार मन रखकर जो मन में है वही मुंह पर अपनी बात रखने वाला एक बहुत ही निर्भीड़ नेता के रूप में हम उनको हर समय याद करते रहेंगे। प्रखर राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के विचारों पर श्रद्धा रखने वाला ऐसे इस महान नेता को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके अंत्य संस्कार के कार्यक्रम के लिए मैं मुंबई जा रहा हूं और मैं यही सभी भाजपा शिवसेना कार्यकर्ताओं को आह्वान करूंगा कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम आगे जाएंगे, यही उनको सही श्रद्धांजलि।